खंडवा सांसद नंदकुमार सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर नागरिकता संशोधन कानून को मध्य प्रदेश में लागू करने के समर्थन में कलेक्ट्रेट का घेराव कर कमलनाथ सरकार के असंवैधानिक रवैये का विरोध किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया। हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, इस देश के सभी धर्मों का पालन होता है और सभी को यहाँ पर रहने की खुली आजादी है। नागरिकता संशोधन कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रह रहे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध जो उस देश के अल्पसंख्यक हैं वहाँ पर पीड़ा झेल रहे हैं, उन्हें भारत में नागरिकता प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है। इसमें देश के मुसलमानों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस इस कानून को मुद्दा बनाकर देश में अशांति का माहौल पैदा कर रही है। यह बात भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने नागरिकता संशोधन कानून प्रदेश में लागू किए जाने को लेकर आयोजित धरने में संबोधित करते हुए कहा। खंडवा से शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। पारित हुआ है कि वहां के सताए हुए, वहां के जुलूम सहे हुए कई लोग हिंदुस्तान आ गए वीजा और पासपोर्ट लेकर। उनके वीजा और पासपोर्ट की म्याद खत्म हो गई, टाइम खत्म हो गया। जब उनको रवानगी के लिए यहां से कहा जाता है तो वो पुलिस वालों के पैर पकड़ के बैठ जाते हैं कि हमको जहर दे के यही मार डालो। लेकिन हम लौट के पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हम लौट के बांग्लादेश नहीं जाएंगे। मैं यहां पर हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम भाइयों से कहना चाहता हूं कि यह हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, हर धर्म के लोगों को यहां रहने की बराबरी की आजादी है। यहां के किसी मुस्लिम भाई का हक इस नागरिकता संशोधन बिल से छीना नहीं जा रहा है। लेकिन वह हमारे अपने लोग, उनके बारे में कौन सोचेगा? 1947 में जब देश आजाद हुआ, पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 23% थी, 23%। लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को इस्लामी देश घोषित कर दिया, वहां के हिंदुओं पर कहर ढाए जाने लगे, हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। और मैं बताना चाहता हूं खंडवा वासियों को, यहां रहने वाले हिंदू मुस्लिम भाइयों को, 1947 में पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, आज वहां पे सिर्फ 3% रह गए, 3%। ये जो बिल का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वहां के वो 20% हिंदू कहां गए? उनका कत्लेआम कर दिया गया। या जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया, खंजर की नोक पर। उनमें से जो हिंदुस्तान आए हैं, बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के, ये और देशों के लिए कानून लागू नहीं हुआ है, क्योंकि अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या दुनिया के और देशों में, अरब में। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।